Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, मायसेल्फ दीपक यादव और स्वागत करता हूं आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम यहां पे नीट की एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। नीट की एग्ज़ाम का आपका डेट आ चुका है, कैसे एग्ज़ाम होगा ये चीज़ें भी आ चुकी है, किस तरह से आप एग्ज़ाम दोगे, किस दिन एग्ज़ाम है, सभी चीज़ों का यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है नीट की एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं क्या चीज़ होती है। एक नीट की एग्ज़ाम जो है इसको जो मान लो 12th स्टैंडर्ड में अभी पढ़ाई कर रहा है, साइंस से अगर बायोलॉजी लिया है, ग्रुप बी से पढ़ रहा है, वो स्टूडेंट इसकी एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको आगे जाकर यहाँ पे मेडिकल में एडमिशन लेना होता है, मेडिकल कोई भी मान लो यहाँ पे मेडिकल में एडमिशन लेना है अच्छे से, तो नीट की यहाँ पे आप नीट आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। तो ये जो नीट की एग्ज़ाम है इसको एनटीए कंडक्ट कराती है, दैट मीन्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है इसको कंडक्ट कराती है। चलिए और यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। सबसे पहले देख लो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ये जो नोटिस आया हुआ है देख सकते हो 12/2/2021 को ये रिलीज़ हुई है। ठीक है, आज के दिन आगे देखते हैं इसके अंदर क्या है। कंडक्ट ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्टेड यूजी 2021 का, तो जब सबसे पहले यहाँ पे आगे देखते हैं क्या चीज़ है। द नीट दैट मीन्स यूजी 2021 इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाई NTA फॉर एडमिशन टू MBBS। MBBS में अगर एडमिशन लेना है, BDS में एडमिशन लेना है, BAMS में लेना है, BSMS में लेना है, BUMS एंड BHMS में आपको अगर एडमिशन लेना है तो ये एग्ज़ाम आपको देनी पड़ेगी और क्वालिफाई करना पड़ेगा। कोर्स एज पर द रिलीवेंट यहाँ पे नॉर्म्स गाइडलाइंस रेगुलेशन नोटिफाइड बाई द कंसर्न यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज। आगे देखते हैं द रिजल्ट ऑफ नीट यूजी 2021 में बी यूटिलाइज बाय द अदर एंटिटीज ऑफ अ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिल और नर्सिंग कॉलेजेस के द्वारा स्कूल्स यहाँ पे जिपमेर फॉर काउंसलिंग एडमिशन ऑफ द रिलेवेंट कोर्सेज इंक्लूडिंग जैसे कि BSc हो गया एंड BSc लाइफ साइंस या फिर नर्सिंग का टू यहाँ पे अकॉर्डेंस विद देयर रूल्स एंड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो गाइडलाइंस के अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं जो भी चीज़ें हैं, तो ये आप देख सकते हो। चलिए यहाँ पे अब मेन बात करते हैं कब एग्ज़ाम होगी, किस तरह से होगी। जो नीट की आपकी 2021 की एग्ज़ाम इट विल बी कंडक्टेड इन 11 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाएगा, इंक्लूडिंग जैसे कि हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, ठीक है, चाहे गुजराती हो, दैट मीन्स 11 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाएगा। एंड ये जो एग्ज़ाम होगी वो पेन एंड पेपर मोड, दैट मीन्स आपको रिटर्न एग्ज़ाम होगी। एंड एग्ज़ाम का डेट जो है 1 अगस्त 2021 संडे के दिन आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। सो बी प्रिपेयर, अच्छे से आप तैयारी कर लीजिए और इस नीट को क्वालिफाई करिए। आगे देखते हैं, अगर और भी आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ से आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आता रहेगा वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं क्या चीज़ें इस नोटिस में लिखा गया है। द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कंटेनिंग डिटेल्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द टेस्ट सिलेबस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एज रिजर्वेशन कैटेगराइजेशन ऑफ सीट्स एग्जामिनेशन फीस और सिटीज एग्जामिनेशन स्टेट कोड एक्सेट्रा विल बी अवेलेबल शॉर्टली ऑन द वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे NTA.NIC.IN पर। वेन द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर नीट यूजी 2021 यहाँ पे अप्लाई हो गया, तो देखेंगे यहाँ पे जो भी चीज़ें आएगा मैं आपको अपडेट करते रहूँगा, इसका फॉर्म कब भराएगा, कैसे भराएगा, किस तरह से आपको यहाँ पे सबमिशन करना है, ठीक है, क्या फीस होगी, सब चीज़ें बाद में यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा जैसे ही आएगा। तो चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए। आगे बोला गया द कैंडिडेट हु डिज़ायर टू अपियर नीट आर यहाँ पे एडवाइस टू कीप विजिटिंग द वेबसाइट, इस वेबसाइट को आपको विजिट करते रहना, जो भी इन्फॉर्मेशन है आता रहेगा, और आपको हमारे चैनल से और टेलीग्राम पे आप जुड़े रहिए, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आपकी एग्ज़ाम फिर से एक बार याद दिला दूँ आपको, 4th यहाँ पे 1 अगस्त 2021 संडे के दिन होगा। तो थैंक यू वेरी मच।